Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये सब की है बेटा तुसी दसूंगे ना पत्थर जी हाँ जी पापा जी मैं किसे बंदे नू मिली सी ते मेरी गल भी हुई सी ओदे नाल पर वो कोई बदमाश नहीं सी फिर कौन है जेलर साहब जेलर साहब पर तुहानू उन्हां नू मिलन दी की लोड़ पैगी सी पुत्तर जी मैनू शक सी कि इन्हां सब चीजां दे पिछे कितें यशपाल तां नहीं बस मैं इस करके जेलर साहब तो पता करन गई सी कि यशपाल जेल दे विच है भी या नहीं किते फरार तो नहीं हो गया किते वो फिर ते पाशवा परिवार ते कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करन दी सोचता बस इस करके तुसी ये सब पता करन कर ले गए हाँ जी सर आबर जी क्योंकि मैं किसे नू परेशान नहीं सी करना चाहती पर तसल्ली दी गल ए है कि यशपाल हजे भी जेल विच है सगो उनू तां हाँ पिछले शुक्रवार अमृतसर जेल दे विच शिफ्ट कराया गया है ते जेलर साहब ने मैनू यही दस्या कि आप उनू मिलके आए ने जदों कागजी कारवाई करन गए सी अदो ओ तां बहुत चंगी गल है पुत्तर जी पर अगे नू एह जी किसी भी जगह ते जाना होवे तां घर दे किसी मेंबर नू नाल लैके जाया करो या फिर घर दे किसी बंदे नू दस के जाया करो पुत्र जी एह जी जगह ते बहादरी कदों बेवकूफी च बदल जाए कुछ पता नहीं लगता हाँ जी पापा जी मैं आगे तो ध्यान रखूंगी पुते नी काली ना करया कर पर सुनी जी तुसी चले गए अपना शक कर लिया तो चंगा ही कीता सुनी जी तुसी बाजवा परिवार बारे किन्ना सोचते क्योंकि मैनू ये पता होंदा कि मेरे हर कदम च मेरा बाजवा परिवार हमेशा मेरे नाल खड़ा रहेगा खास करके तुसी तो मेरी भी भले दी सोची सी जठानी जी हुण मेरे कोल तां तुसी हैगे हो फिर मैनू होर की चाहिदा है लेकिन मैं ना तुहाडे लई एक मन्नत मंगी है ते जिस दिन मेरी मन्नत पूरी होगी ना तुसी देखना इस घर च ना खुशियां खुशियां होनगियां ते सब तो ज्यादा खुश तुसी होवोगे ओ अच्छा ते की नाम है उस पिंड दा केड़ा पिंड है मैनू भी तां पता लगे कि केड़ी देवी दे दर्शन करके आया तू अज ओ बीबी जी ना तो असि पुछया ही नहीं असि मेले च जाके दरअसल इन्ने व्यस्त हो गए कि सानू ना पता करन दा तां याद ही नहीं रहा मैं हुणे पता कर दिना रहंदे रहंदे कोई लोड़ नहीं हैगी मैनू अपने युवी पुत्र ते पूरा भरोसा ते मम्मी मैं तुहाडे लई मन्नत मंग लई ना किते भी जा सकदा बस बस पर मैनू एक गल दस जे तू जाने सी तां मेरे नाल झूठ बोल के क्यों गया तू ओ बीबी जी दरअसल होया पता कि असी लैण तां भाभी जी नूं गए सी पर भाभी जी अपने घर मिले ही नहीं फिर जदों असी पहुंचे तां उत्थे लाउड स्पीकर दी आवाज आ रही सी लाउड स्पीकर दी आवाज सुनदे सुनदे असी मेले पहुंच गए फिर असी सोचिया कि मन्नत मंग के वापस आईए ठीक है हरलीन ते खुशप्रीत तो पहले ही घरों निकल आईया सी
फिर तुहानू मिल गई कित्थे? अगे तो उन्हां नू फोन करके जाया करो। जी मम्मी। जाओ जाओ जाके आराम करो। युवराज तू मैनू जो भी दसिया मैं नहीं जानती उस विच किन्नी सच्चाई, फिर ना ही मैं इस गल उत्ते कोई सवाल चुकना चाहती क्योंकि मैं तेरे ते बहुत भरोसा करती हाँ। पर अरदास करी उहदी कि इस तरह का कोई दिन ना आए किसी काम पिछे तैनू अपनी मां नाल झूठ बोलना पै जाए। जी मम्मी। गीत नूं तां जिन्नी छेती होए लभना ही पएगा ना, जे गीत ना लभी ते मल्हार नूं टाइम सिर दवाई कौन देगा, उहदा ध्यान कौन रखेगा? मेरे हुंदियां तुहानू मल्हार दी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं है चाचा जी। देखा डैमट, मल्हार दा ध्यान रखने लई सुमोन इत्थे है। हां जी, मैं मल्हार दा ख्याल चंगी तरह रखांगी, उहदी सेवा करांगी, उहनू टाइम नाल मेडिसिन दवांगी। रुक जा सुमोन, अगे कदम ही ना पुट्टी। तू सेवा करन दी गल करदी आ, मैं तां तैनू अपने पुत्तर नू हाथ नहीं लाउण दवांगी। जा निकल जा इत्थों, निकल जा इत्थों। मॉम तुसी क्यों जिद कर रहे हो? जे ओ मल्हार विरोधी सेवा करना चाहुंदी है तां करन दिओ ना उहनू। हां जी आंटी जी, तुसी मल्हार दा फिकर मेरे उत्ते छड़ दिओ। मैनू तां फिकर इस गल दा है कि तू इत्थे आ, मेरी गीत इस वेले इत्थे नहीं। आंटी जी तुसी तां गीत तो बिना उधर ही गए हो। तुसी एक काम करो, तुसी रेस्ट करो, जरा सोचो तां सही। आंटी जी की नहीं होया मेरे नाल मेहरा हाउस विच, पर फिर भी मैं सारा कुछ भुलन नूं तैयार हाँ, मल्हार दी सेवा करन नूं तैयार हाँ। तुसी फिर भी मैनू इस घर चो जान लई कह रहे हो? एना फितूर भी चंगा नहीं हुंदा आंटी जी। जुबान संभाल के बोली सिमोन। हाँ मल्हार, मल्हार पुत की गल है, कुछ बोलदा क्यों नहीं पुत, की चाहिदा तेनू? कुछ तो बोल पुत्र, बोल पुत्र। मल्हार वीर जी अखां खोलो ना प्लीज। हां जी मल्हार नो, प्लीज होश करो, देखो देखो असि सारे इत्थे हां। मॉम पापा असि सारे थोड़े कोल हां, तुसी अपने घर विच हो मल्हार नो। ते तेरी नवी मालकिन यानी कि मैं, साडी लाइफ दा अज सब तो वड्डा दिन है। तू तो जानती है ना नयन कि दिवांश ने आज की पार्टी साढ़े ब्याह की अनाउंसमेंट वास्ते रखी है। बस इसलिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करने लिए आई सी, क्योंकि मैनू ये खुशी तो तेरे करके मिली है ना नयन। इसे करके मैं सोचा कि मैं आप जाके इस खुशी दे मौके ते तेरा मुंह मिठा करा के आवां। इसलिए तो देख मैं तेरे लिए खुद मिठाई अते जूस लेके आई हूं। इन्ना तो मैं हुण तक समझ ही गई हूं कि जैस्मिन इन्नियां मिठियां मिठियां गल्लां बिना किसी मतलब तो बिल्कुल नहीं करती।
इस बारे मेरे तो की जानना चाहती है? तुसी मेरे बारे च सोचिया, ये बहुत वड्डी गल है, पर मैं मिठा नहीं खांदी। नयन, अपनी मालकी नाल कोई इस तरह का व्यवहार करता है? ओहो नयन, जैस्मीन तेरे वास्ते किन्ने प्यार नाल मिठाई लेके आई है, इन्नी आकड़ चंगी नहीं होंदी नयन। ऐसा दी कोई गल नहीं है वड्डे मालकिन, मैं तो बस। चल अगर तेन मिठाई नहीं पसंद है तो कोई गल नहीं, तू अपनी मालकिन का दिल रखन लई ओदे हाथ तो यह जूस ही पी लै। मैनू पता है नैन, तेनू ये लग रहा होना ना कि आज मैं तेरे नाल इन्ने प्यार नाल गल क्यों कर रही हूं। वैसे नैन, मैं तेनू दिलों नफरत करती सी, पर हर मां की तरह मेरी भी इच्छा सी कि मेरे पुत्र का विआह मेरी पसंद की कुड़ी नाल होवे। हुण जदों दिवांश जैसमीन नाल विआह करन लई राजी हो ही गया तो मेरे दिल विच तेरे लिए कोई गल नहीं है। मैं तो इस खुशी के मौके पर सारिया पुरानिया गल्ला भुला के एक नवी शुरुआत करन आई हाँ, इसे लई तो असी तेरे लई ये जूस ते मिठाई लेके आए हैं। की सोच रही है नयन, पी ले। देख नयन, आज तेरे देवांश मालिक जी दी जिंदगी दी सब तो वड्डी खुशी दा दिन है। परमे करेले एक किद्दा बनाने ने, सो तुसी देखोगे इस एपिसोड दे विच। अमृता, वैसे कुछ भी है, एक चप्पल चोर जदों टीवी ते खाना बनाउंदा ना, एकदम देख के खान नू मन करदा है। हां जी बाबू जी। वैसे पुत्र, तू भी बहुत सोहना काम कीता है, वेरी गुड, देख के मन खुश हो गया। थैंक यू बाबू जी। वाह, थानू दोनों नु इदा देख के मेनू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ दी बॉन्डिंग। हाँ अच्छा, तुसी दोवे चाह पियोगे? ओ भाई, पंजाबियों दी फैमिली च ए नहीं पुछदे हुंदे चाह पियोगे या नहीं, ए पुछदे हुंदे ने कि किन्नी चाह पियोगे। अच्छा, मैं तुहाडे लई चाह बना के लैनी आ। बाऊ जी तुसी देखो, मैं बना के लेके आनी आ चाह। मम्मी तुसी रहन दो, मैं बनानी आ। की होया मम्मी, तुसी हजे भी गुस्सा हो? बाऊ जी, मम्मी नू की होया? क्यों है? पता नहीं, मम्मी हजे भी गुस्से विच ने। तुसी मम्मा नू कुछ कहा है? भाई मैं तेनू पागल दसदा, मैनू पता वो सारी रातों परेशान है, मैं उन्हें की कहना सी? सोहम नाल कोई गल हुई होवे? नहीं, वो दो में बहुत चंगे लग रहे सी और बहुत खुश आए ने। ते बची मैं, पर मैं की किता? साड़ी ता सुला हो गई सी सवेरे, एदा मतलब मम्मी सिर्फ मेरे नाल नहीं गल कर रहे। बाऊ जी तुसी प्लीज पूछो ना कि मम्मी नू की होया। देख रमनिक पुत्र, मेरी गल ध्यान नाल सुन। जब प्रीतो इस घर दे विच नवी ब्याह के आई सी ना, मैं प्रीतो ते बीजी दे विच बोल पिया सी, बस उस दिन तो मैं पक्का मन बना लिया ते ए सिख ले ली कि दो जनानियां दे विच कदे नहीं बोलना। हुण मैं तुहाडे दोनों दे विच नहीं पैंदा, तू आप ही उसनू पुछ ले की गल है। ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
जिन्ने भी यह ब्लाइंड फोल्ड पा के इस चम्मच दे राही एना पांच कटोरियां विच पांच बॉल्स पा दित्तियां ओ ही विजेता है। ठीक है, हुण जे तुसी ब्लाइंड फोल्ड हो तां तुसी देख तां पाओगे नहीं, सो तुहाडे जिहड़े बाकी दे प्लेयर्स रहिंदे ने ओही तुहानूं गाइड करनगे कि तुसी इह गेम किद्दां खेलनी है। ठीक है, सो सब तों पहलां तां तुसी इह ब्लाइंड फोल्ड पा लो क्योंकि तुहाडे दोवां विचकार पहला मुकाबला है। सो तुसी दोवें अपनी गेम खेडनी शुरू कर सकते हो हुण। देख लो तुहाडी वोटी दी स्पीड। मैं भी थोड़ा इस्तेमाल दा दसूंगा, कोई गलबात है। अच्छा वैसे सही दसो, दिख रहे असि कि नहीं दिख रहे? बिल्कुल माड़ा जे भी नहीं, ये तो कुछ है ही ऐसी चीज बंदा चाह के भी नहीं देख सकता। फिर तो पूरी ईमानदारी नाल जेड़ा पहला राउंड है वो साड़ी सुपरस्टार नू ही जीती है, बहुत बढ़िया। हुण देखदे आ कि दूसरा राउंड कौन जितदा है, बुलाने दूसरे प्लेयर्स नू। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। आ देख लो। चलो फिर आ जाओ तीसरा राउंड खेड। ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। इस गेम दे तीनों राउंड साड़ी सुपरस्टार नू दी टीम जीती है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ,
आलूआं नूं असीं मोटे मोटे पीसिस दे विच कटना है। एक आलू दे तुसीं चार पीस या छे पीस बना सकते हो। ते लो जी आलूआं नूं असीं कट लिता है। ते हुण असीं एक प्याज ते एक बैल पेपर नूं चॉप करांगे। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਕੈਪਸੀਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਫਰਾਈਰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। लो जी साडा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है ते आलूआं नूं फर्स्ट फ्राई करन लई इह बिल्कुल रेडी है जी। हुण आपां इहदे विच आलू ऐड करांगे ते इस नूं आपां फर्स्ट फ्राई करना है थोड़ी जी लो हीट ते लंबी ड्यूरेशन तक। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਫਰਾਈਂਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਸਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਫਰਾਈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹਲੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਇਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਹਿਰਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਟੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਪ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼, ਪੈਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 10 ਪੀਸ ਕਰਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰ ਕੁਕਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਲਸਾ ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਲਸਾ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਚਾਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਹੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਆਲੂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੀਰਾ। ਹੁਣ
हम खीरे तो बाद असी इसे टमाटर ऐड कर रहे हैं। हुण इस तो बाद जी रेड शिमला मिर्च, थोड़े जे प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्ची, बस थोड़ी जी हल्की जी टच करानी है जी, बहुत ज्यादा नहीं स्प्रिंकल करनी। इस तो बाद थोड़ा जा अनार जी। हुण इस चाट नूं थोड़ा जा होर स्वाद बनाने वास्ते इस दे उत्ते आपां स्प्रिंकल करांगे चाट मसाला। हरेक आलू ते थोड़ा थोड़ा चाट मसाला जिहड़ा है वह पै जाना चाहिए। हुण इस दे नाल नाल थोड़ा जा नमक, क्योंकि आपां नमक ऐड ही नहीं किया इस रेसिपी च, थोड़ा जा फ्लेवर एनहैंस करने वास्ते आपां नमक ऐड कर रहे हैं। इस दे नाल नाल जाएगी जी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा जा नींबू, सारे आलूआं ते थोड़े थोड़े नींबू की जिहड़ियां बूंदा ने वह आपां स्प्रिंकल करांगे। लो जी हुण फाइनली इसनूं आपां डेकोरेट करन लगे हां चॉप किते हुए धनिए दे नाल। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।